हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। ये वीडियो उन खास स्टूडेंट्स के लिए है जो इन फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर स्टूडेंट को होती है जॉब ढूंढने की। हमारे पास कैपेबिलिटी होती नहीं है और फिर भी हम यही सोचते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं है, या किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं वहाँ पर सोचते रहते हैं यार जॉब नहीं मिल रही, वजह क्या है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप उसको इंडिया से या अपनी होम कंट्री से सीख कर आते हैं तो आपके यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो प्रेजेंटली आई एम इन एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। कोरोना वायरस का कहर अभी तक जारी है तो यहाँ पर जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जरूरी नहीं एडिलेड में ही, पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में। और कई लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, कई लोगों के कम हो गए हैं, स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी टिकटॉक के ऊपर कि मुझे वो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करें, मैसेज करें जिनकी जॉब गई है या जिनके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, अपने अपने व्यूज़ बताए कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे इतने आवर्स थे बढ़ गई है। सो गाइस, तो आपने करना क्या है, आपने कुछ काम सीख कर आने हैं अपनी होम कंट्री से। अगर आप सीख कर आओगे आपको यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। काम कौन कौन से सीख कर आएँ, जो हम इंडिया या अपनी होम कंट्री में छोटा काम मानते हैं वही यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बिंग का काम, अगर हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, टूटी वगैरह ख़राब हो जाती है, कुछ भी लीकेज हो जाती है, हम प्लम्बर को बुलाते हैं और कितना कुछ कितना दे देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे या काम के अनुसार दे देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बेनिफिट ये हो सकता है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन मास्टर या प्लस टू इस काम के रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली एक तो आपने स्टडी करनी है और ऊपर से आपने काम करना है। काम चाहे कोई भी हो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बल्कि आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे इस काम के। तो प्लम्बिंग का काम जिन लोगों को आता है उनका बेनिफिट हो सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी जॉब अच्छे से लग जाएगी। दूसरा ब्रिकर, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कंस्ट्रक्शन का काम जैसे कि घर बनाने, उनसे पूछ के दे लो, टाइलें वगैरह लगानी, टाइलर हो गया, तो ये काम आप सीख कर आए ताकि आपको यहाँ पर आकर दिक्कत ना आए। इस काम में आपको पे रेट भी ज़्यादा मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोज़ होती हैं सारी रियलिटी बेस्ड होती हैं। तीसरी बात, अगर हम इंडिया में जाते हैं मैकडॉनल्ड्स के ऊपर, पिज़्ज़ा हट के ऊपर, वहाँ पर जो लोग काम करने वाले होते हैं ना, हम उनको अच्छा नहीं समझते, मोस्ट ऑफ़ द थिंग्स, ज़्यादातर लोग उसको छोटा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पता लगेगा आपको उसकी वैल्यू क्या है। तो जो लोग मैकडॉनल्ड्स में या जिनके पास पिज़्ज़ा हट का एक्सपीरियंस है, डोमिनोज का एक्सपीरियंस है, उनको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपको इस चीज़ों का एक्सपीरियंस है, मोस्टली लोग नहीं करते हैं ये, मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली लोग जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो बस ब्लैंक होके आ रहे हैं, उनको सिर्फ ये है कि हमने बाहर जाना है, बाहर जाते ही हमने पैसे कमाने लग जाने हैं और अपनी फ़ीस उतार देनी है, घर पे बैठना शुरू कर देने हैं, मोबाइल ले लेना, गाड़ी ले लेनी। इतना ईजी नहीं होता है, सारी चीज़ें बनेंगी आपकी, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। जितनी देर तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी उतनी देर तक आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो। तो मेरा ये मानना है अपनी स्टडी के साथ साथ आप ये चीज़ें भी सीख कर आएँ। और नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुत ही पॉपुलर है, वो है कार वॉशिंग का। जो लोग शुरू के टाइम के ऊपर सर्वाइवल नहीं कर पाते हैं उनको कार वॉशिंग कर लेनी चाहिए और आपको आनी चाहिए, इसमें कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब स्टूडेंट यहाँ पर आता है ना, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उसको ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस ले लेना चाहिए। उसका बेनिफिट है क्या, देखो आप टेम्परेरी वीज़े के ऊपर, जो आपका स्टूडेंट वीज़ा होता है ना, वो होता है टेम्परेरी वीज़ा, ठीक है, आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर भी गाड़ी चला सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बात होती है कि कई जॉब्स में आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, सिर्फ पैसा कमाने की तरफ ध्यान देते रहते हैं, पीछे कुछ नहीं सोचते हैं। आप जब आते हैं तब आपका डेस्टिनेशन जब पूरा हो जाता है ऑस्ट्रेलिया आने का, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मैंने आगे कैसे पढ़ना है। और भी लाइक ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही कमाई जाओ, हर एक चीज़ करना ज़रूरी है। मान लीजिए आपको आते ही $35 में जॉब मिल गई, वैसे होगा नहीं, इतनी
आसान नहीं है, मान लीजिए ठीक है, या कोई भी जॉब मिल गई आपको, आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं इसी जॉब के ऊपर लगा रहा हूँ साइड बाय साइड। जैसे कि एक स्टूडेंट को एक हफ्ते में 20 घंटे काम करने का टाइम दिया जाता है, ठीक है जी, तो बाकी के जो आवर्स हैं उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपके थोड़ी सी दिक्कत आएगी, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, सिक्योरिटी का लाइसेंस ले लीजिए, उसमें भी बहुत पैसा है। अब कोरोना वायरस के चलते सिक्योरिटी का काम बहुत बढ़ गया। पहले मैंने देखा था वूलवर्थ में सिक्योरिटी गार्ड नहीं खड़ा होता था, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होने लग गया, तो उसमें भी बहुत पैसा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है, फिर आपका आता है फोकलिफ्ट लाइसेंस। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना माइंड प्रिपेयर करके रहें और ये वीडियो लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं, बल्कि किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, ये चीज़ें काम आएंगी आएंगी। ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस की जगह पर क्या हो जाएगा, कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, यूएसए का ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा, बस और तो नहीं कुछ होगा ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उन लोगों के लिए ये स्पेशल वीडियो है, मानते हैं कि अभी कोरोना वायरस के कारण वीज़े नहीं लग रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल बैन हो चुका हुआ है, लेकिन इस चैनल के ऊपर सारी आपको रियलिटी मिलेगी। ये नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट बनाकर आता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सीख कर आएँ, बाकी की चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डिफ़ाइन कर दूँगा ताकि आप ये सारी चीज़ें सीख कर, और कुक का काम भी बहुत है, कुकरी का, ठीक है, कुकरी का काम भी बहुत है। लेकिन इन शॉर्ट आपने करना क्या है, आपने पीआर डालनी है, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आपको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है, कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। आपने पीआर डालनी है, पीआर के बाद सिटीजनशिप लेनी है। कई लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट ख़ास तौर के ऊपर जो कोर्स लेकर आए होते हैं वो ध्यान ही नहीं देते, कोर्स को ख़त्म हो गया होता है इलीगल लेना शुरू कर देते हैं, क्लासेस नहीं लगाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये मत देखिए कि आपके पीआर के टाइम के ऊपर ये चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी। सभी चीज़ों का आपका सारा होगा कि लाइक इसने क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, सरकार के पास हर एक रिकॉर्ड होता है। तो मेरी ये सलाह है, सिर्फ पैसे कमाने की खातिर आपने कोई कोर्स छोड़कर नहीं बैठ जाना, स्टडी छोड़कर नहीं बैठ जानी। मैंने बहुत से देखे ऐसे, बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि स्टडी छोड़ देते हैं और इलीगल लेना शुरू कर देते हैं और पैसे कमाने की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं, और उनके मन में यही होता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे को वापस भी जाना पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं, हम पैसा कमा लें। ब्रदर मैं आपको बता देता हूँ, पैसा कमाना यहाँ पर इजी है, पीआर लेना इजी नहीं है। तो अपना जो स्टेप है, एक एक स्टेप आपने क्या करना है, पूरा देख कर करना है। ये नहीं है कि चलो जो कहे उसको कर लिया। अब सोचो आपके पास कई आपके ऐसे फ्रेंड्स भी होंगे जो मतलब इसके ऊपर ध्यान ना देते होंगे, वो आपको कहेंगे कोई चक्कर नहीं यार, कोई हम ऐसा करते कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कोई दिक्कत वाली बात ना होए, लेकिन आप सतर्क रहना कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा बाद में। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, 20 मेरे को अभी तक समझ नहीं आया, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, जो लोग ऑस्ट्रेलिया से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं वो ज़रूर आंसर देना। मैं अगर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आता हूँ या कोई बंदा स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आता है, उसको एक हफ्ते का 20 घंटे काम करने को मिलता है, ये आप लोग सभी जानते हैं, TFN के ऊपर, टैक्स फाइल नंबर के ऊपर। कुछ स्टूडेंट ABN लेकर अपना काम करना जब शुरू कर दें और काफ़ी सारे पैसे बना लें, 20 घंटे से ज़्यादा काम कर लें, तो क्या ये वैलिड है? एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, क्या ये वैलिड है? आपको सरकार ने कहा है कि एक हफ्ते का 20 घंटे काम करना है, चाहे वो TFR पे करो चाहे वो ABN के ऊपर करो। आपने 20 घंटे से ज़्यादा अगर एक हफ्ते में काम किया, एज़ पर लॉ आपको वो वैलिड नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ लोग ABN के ऊपर काम करते हैं, 20 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं, आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, ये अपने मन में ज़रूर रखना। सरकार को सारा कुछ पता है, आप ये मत सोचें कि ABN के ऊपर हमने काम कर लिया और बात ख़त्म हो गई, ठीक है, हम सरकार को पता नहीं। यार मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, सीधी बात बताऊँ, बहुत से स्टूडेंट जो हैं मेरे नॉन हैं, पुराने आए हुए हैं, TFN के ऊपर तो 20 घंटे काम करते ही करते हैं, लेकिन ABN के ऊपर भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखनी है।
दिक्कत आ जाएगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अपना माइंड सेट करके आओ। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, ये है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर खपाई कर रहा हूँ, चाहे आप मेरे को गालियाँ निकालो, लेकिन मेरे को काम है कि मैं आपको रियलिटी बताऊँ। तो सारे स्टूडेंट ये सोच कर आएँ। बाकी कोई कमेंट सेक्शन में अगर आपने कुछ पूछना होगा तो मेरे से पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।